नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज बरहेट विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में पंकज मिश्रा बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे। वहीं पंकज मिश्रा ने बाबूलाल मरांडी पर कई प्रकार के आरोप लगाए। पंकज मिश्रा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी सीएम हेमंत सोरेन को लेकर नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन क्या बाबूलाल मरांडी में नैतिकता है? और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा पंकज मिश्रा ने। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि कल हम समाचार में देखे कि बाबूलाल जी नैतिकता की बात करते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी की अपनी नैतिकता क्या है? 2019 का चुनाव वो JBM पार्टी कंघी छाप से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। जीतने के बाद झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं जिताया था कि आप जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने चुनाव जीते और मोटी रुपया में रकम में लेकर अपने ही नहीं अपनी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दी। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल कमल फूल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए कि पहले दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले लोग अपने पे पढ़े। जब वो प्रथम मुख्यमंत्री थे तो दुमका के सर्किट हाउस से रात को कहाँ जाते थे जरा सा वो पूछा जाए। बाबूलाल जी को कलकत्ता के ताज होटल से बड़ा अच्छा प्रेम है। अब आप ही लोग पूछिए उनको कितना प्रेम क्यों है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, हिमालय पर तपस्या करने की बात करता था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति JBM से कंघी छाप से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो झारखंड की जनता इन पर कैसे विश्वास रखेगी? देकर और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। दूसरी बात है, रघुवर दास जी के रीजन में आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप लोग देखे होंगे कि टाटा कंपनी से उनका बहुत ज्यादा लगाव है और टाटा कंपनी के सारे सफारी गाड़ी को उन्होंने झारखंड के प्रत्येक थाना में देने का काम किया, जबकि सफारी गाड़ी आरामदेह गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, उससे ड्यूटी नहीं हो सकती। आज देखिए वो सफारी की क्या हालत है। सभी कूड़े के की तरफ पड़े हुए हैं। ये रघुवर जी बताए कि आपकी कितनी में डील हुई थी कि पूरे राज्य के सभी थाना में आपने एक बार में सफारी गाड़ी देने का काम किया था। सबसे झूठी पार्टी इन्हें एन एन प्रकार सत्ता चाहिए, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर मर जाता है, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन झारखंड की जनता अभी 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को इंतजार कराएगा और 30 साल तक माननीय हमारे युवा तेज तरार मुख्यमंत्री
श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।